Hi guys, welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon haul. मैंने Amazon से कुछ कपड़े, फुटवियर और बाकी आइटम्स बाय करे हैं. मैं आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट बताऊंगी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको ऐसे और भी ब्यूटी एंड फैशन वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस लेवेंडर कलर के ओवरसाइज टी शर्ट से. इसमें मेरा साइज है एस. जब भी आप ओवरसाइज टी शर्ट लो हमेशा अपने साइज का ध्यान रखो. और इस पे लिखा है सेल्फ लव. ये ओवरसाइज टी शर्ट है तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो. इसे आप दो तरीकों से स्टाइल कर सकते हो. आप इसे ऐसे खुला भी छोड़ सकते हो और अगर आप इसे जींस के साथ टकिंग करके स्टाइल करोगे फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा. और आजकल लेवेंडर और ओवरसाइज टी शर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. इसकी प्राइस 699 रुपीज है और इसका मटेरियल बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है. प्योर कॉटन मटेरियल है ये. अगर आप कोई एक अच्छा ओवरसाइज टी शर्ट ढूंढ रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस. नेक्स्ट है मेरे पास ब्लैक कलर का वन पीस. मैं काफी टाइम से एक ऐसा पीस ढूंढ रही थी जो मेरे कंफर्ट लेवल के अंदर हो और मुझे अमेज़न पे ये वाला पीस दिखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करती हूँ. तो ये एक ब्लैक कलर का वन पीस है और इसका जो मटेरियल है वो सेटिन है. इसकी जो स्लीव्स है वो एडजस्टेबल है, आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो. तो इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा डीप नेक नहीं चाहिए तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. और इसकी जो लेंथ है इस ड्रेस की वो अच्छी खासी है. अगर आप अपने थाइस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपकी थाइस दिखेगी. और इसमें जो आपको सामने पैटर्न मिलेगा देखने को वो एक फ्रिल पैटर्न है. इसमें मेरा साइज है एस और इसकी प्राइस 599 रुपीज है. इसमें और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है. ये वन पीस बहुत अच्छा लगेगा जिसकी बॉडी एकदम फिट है. अगर आपको थोड़ा सा भी बेली फैट है तो ये आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट मेरे पास है ये दो बेसिक टी शर्ट. पहला है येलो कलर में और दूसरा है पीची पिंक कलर में. अमेजन पे अमेजन की खुद की एक ब्रांड है सिम्बोल करके, तो ये दोनों उसी ब्रांड से है और इसमें मेरा साइज है एम. इन दोनों टी शर्ट की प्राइस 300 रुपीज है, यानी कि एक टी शर्ट आपको 150 रुपीज में मिलेगा. ये दोनों टी शर्ट बेसिक है, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है और आप इन प्लेन टी शर्ट को बहुत सारे तरीकों से स्टाइल कर सकते हो. आप इसे कोई भी अच्छी सी पेपर बैग या फिर व्हाइट लेग जींस के साथ पहन के बहुत ही एलिगेंट सा लुक क्रिएट कर सकते हो. इसका जो मटेरियल है वो भी कॉटन है, पहनने के बाद बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. 150 रुपीज में आपको एक टी शर्ट मिल रहा है तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस कि आपको एक बार ये बेसिक टी शर्ट ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट मेरे पास है ये व्हाइट कलर की जींस. जब मैंने इसे अमेजन की पिक्चर में देखा था तो ऑनेस्टली मैंने इसकी फिटिंग और क्वालिटी इतनी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. इसकी प्राइस 800 रुपीज है और ये एक नॉन ब्रांडेड जींस है और एक बुटकट पैटर्न है जो हर एक बॉडी शेप के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है. मेरा बॉडी शेप पियर बॉडी शेप है फिर भी ये मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है. इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है. मैंने आपको इससे पहले जो टॉप दिखाया था लेवेंडर कलर का, मैंने इस जींस को उसके साथ स्टाइल किया है और बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा लुक आ रहा था इसके साथ, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस. नेक्स्ट मेरे पास है ये येलो कलर का टी शर्ट. इसकी प्राइस 300 रुपीज है और इसमें मेरा साइज है एम. ये एक नॉन ब्रांडेड टी शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद. इसमें आपको फुल स्लीव्स देखने को मिलेगी और पूरे आपको टी शर्ट पे इस टाइप का दिल वाला पैटर्न देखने को मिलेगा. इसकी प्राइस सिर्फ 300 रुपीज थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई करते हैं. क्वालिटी इसकी उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है और उतनी भी बेकार नहीं है, एवरेज क्वालिटी है. तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस, बट अगर आप कोई बजट में टी शर्ट ढूंढ रहे हो तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो. अब हम बात कर लेते हैं फुटवियर की. तो मेरे पास है ये बाटा ब्रांड के सैंडल्स. मैंने इसमें न्यूड कलर बाय किया है क्योंकि ये हर एक आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है. इसकी प्राइस 800 रुपीज है और इसमें आपको ये एंकल लेंथ तक देखने को मिलेगा. तो जब भी आप इसे किसी एंकल लेंथ की जींस के साथ स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा लुक आएगा. बस इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम इसे पहन के वुडन फ्लोर पे जाते हैं तो टक 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 की आवाज आती है जो बहुत ही वियर्ड लगती है, सब आपकी तरफ देखने लग जाते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अदरवाइज क्वालिटी वाइज अच्छी है, पहनने के बाद बहुत ही सेक्सी सा एलिगेंट सा लुक आता है और इसमें हील भी नहीं है तो आप कंफर्ट फील करोगे. सो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट मेरे पास है ये फ्लैट्स जो आप किसी भी एथनिक के ऊपर पहन सकते हो. मुझे तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और इसकी प्राइस सिर्फ 300 रुपीज है. इसमें और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है, मैंने इसे एक दो बार पहना भी है तो कंफर्टेबल है. अगर आपको 300 रुपीज में कुछ भी एथनिक के नीचे पहनने के लिए चाहिए तो
तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास है डेकोरेशन पर्पज से ये लाइटनिंग, इसमें टोटल 14 कलर आते हैं जो अपने आप चेंज होते रहते हैं। इसके साथ एक रिमोट भी आता है जो किसी काम का नहीं है। आप अभी पीछे बैकग्राउंड में जो लाइट देख रहे हो जो बार बार अपने आप चेंज हो रही है वो इसी का कमाल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ये वाटर प्रूफ है और इसकी प्राइस सिर्फ 250 रुपीज है। तो अगर आप डेकोरेशन पर्पज से किसी भी फेस्टिवल या फिर कोई भी अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके पास इस टाइप की लाइट होनी चाहिए 250 रुपीज में। बस इसके साथ ना सिर्फ वायर आया था, ये इस टाइप की पिन नहीं आई थी, ये मैंने खुद ने अटैच करी है। तो आप इसे बाय कर सकते हो 250 रुपीज में, अच्छा प्रोडक्ट है ये। ऐसे और भी ब्यूटी एंड फैशन वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।